बनकर सपनों का सौदागर। बेवा ख्वातीन को ठगा। जज की शक्ल में शिकारी पकड़ा गया। लखनऊ पुलिस ने फर्जी जज बनकर ख्वातीन को फंसाने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। मुल्जिम शादी का झांसा देकर जिस्मानी इस्तेहसाल करता और फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर मुतासरीन से लाखों रुपए वसूलता था। जालसाज के निशाने पर शादी की तस्वीर देने वाली तलाकशुदा और बेवा ख्वातीन होती थीं। मुल्जिम विष्णु शंकर गुप्ता अखबार में ऐसी तस्वीर सर्च करता जो ख्वातीन तलाकशुदा, बेवा और सरकारी नौकरी में होती थीं और वो शादी के लिए इश्तिहार देती थीं। मुल्जिम विष्णु खुद को जज बताकर ख्वातीन को फोन करता और शादी की तजवीज देकर उन्हें झांसे में फंसा लेता था। परेशान ख्वातीन शादी का अच्छा रिश्ता देखकर यकीन कर लेती और यहीं से शुरू हो जाती उनके इस्तेहसाल की दास्तां। ये युवक अखबारों में विज्ञापन देता था और विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट करता था। वीडियो वायरल होने से खौफजदा ख्वातीन क्या करती, मुल्जिम जैसा कहता वैसा करने लगती। ख्वातीन से प्रॉपर्टी और महंगी कार खरीदने के लिए रुपए ले लेता और उसके बाद नंबर बंद कर देता और फिर अगले शिकार की तलाश में जुट जाता था। कुछ दिन पूर्व हमें एक सूचना मिली थी कि एक महिला को एक युवक ने झांसा दिया है और खासकर ऐसी महिलाओं को ये टारगेट करता था जो कि या तो डिवोर्स होती थी या विधवा होती थी, और ऐसी महिलाओं को शादी का झांसा देकर ये अपने आप को सिविल जज बताता था और बताकर उनसे पैसे हड़पने का भी काम करता था। कानपुर के रहने वाले इस नटवर लाल ने वकालत की है, लेकिन वकालत नहीं चली तो फर्जी जज बन गया और ख्वातीन को लूटना शुरू कर दिया। इल्जाम है कि अब तक इसने 15 से 20 ख्वातीन से ठगी की है। पुलिस ने मुलजिम से 4 लाख रुपए और सोने के जवाहरात बरामद किए हैं। के पास से 4 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है जो कि इसने विभिन्न महिलाओं से ठगी कर अर्जित किया, और साथ में जो ज्वेलरी है और सफ़ेद धातु और पीली धातु के आभूषण हैं भारी मात्रा में, वो भी बरामद किए गए हैं। इसके ऊपर पूर्व में भी 5 मुकदमे लिखे गए हैं और ये विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियां पूर्व में भी करता रहा है। विष्णु शंकर गुप्ता इतना शातिर है कि लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। पुलिस की हर धरपकड़ नाकाम हो रही थी। फिर पुलिस को एक तरकीब सूझी और पुलिस ने मुलजिम को फंसाने के लिए ठीक वैसा ही जाल बुना जैसा वो मुतासरीन को झांसा देने के लिए बुनता था। फिर क्या था, जालसाज जज पुलिस के कब्जे में था। इस संबंध में एक ट्रैप हमारे द्वारा ले किया गया। उस ट्रैप में ये व्यक्ति एंट्रैप हुआ, फंसा। शादी के नाम पर बेवा ख्वातीन को ठगने वाला विष्णु शंकर तो पुलिस के कब्जे में आ गया, लेकिन अभी भी कई शिकारी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके निशाने पर अक्सर वो ख्वातीन होती हैं जो अच्छी नौकरी में होती हैं, बड़े परिवार से होती हैं और या तो तलाकशुदा या बेवा होती हैं। ठीक ऐसे ही कुछ ख्वातीन का गिरोह भी है जो तलाकशुदा आदमियों को शादी का सब्ज बाग दिखाकर फंसाती हैं। ज्यादातर टारगेट वो महिलाएं होती हैं जो तलाकशुदा होती हैं या विधवा होती हैं और सरकारी नौकरी में होती हैं। तो ऐसे में जो जालसाज होते हैं वो ऐसे महिलाओं को टारगेट करते हैं। कुछ इसी तरह की स्थितियां जो हैं वो पुरुषों के साथ भी होती हैं, जो पुरुष जो है ओवर 50 होते हैं, इसके साथ साथ तलाकशुदा होते हैं, इसके साथ ही साथ उनके बच्चे नहीं होते, तो इस तरह के लोगों को जो जालसाज महिलाएं हैं वो टारगेट करती हैं। ये गिरोह अक्सर ऐसे मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल करते हैं जिन पर आसानी से प्रोफाइल बन जाती है और उसे कभी भी लॉक और अनलॉक किया जा सकता है और किसी का भी नंबर हासिल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये एक निजी वेबसाइट का जो पेज है वो आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें केवल अगर आप देखिएगा तो ईमेल, पासवर्ड जो एक मेंबरशिप ली जाती है वो जो करीब 3,000 से लेकर 10,000 तक की होती है, इसके साथ साथ इस पे प्रोफाइल बनाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, अभी शादीशुदा हैं या नहीं है इसकी जानकारी, और इसके बाद ये बकायदा एक जो वेबसाइट है वो बन जाती है। ऐसे में ज़्यादातर जो
फ्रॉड होते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, वो इसी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। यानी शादी के सौदागरों के पास लोगों को ठगने के हजार जरिए हैं। कभी वो तस्वीर से, तो कभी मैट्रिमोनियल साइट से, तो कभी वो जालसाजी के दूसरे हथकंडों से लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है होशियार रहें, आगाह रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।